सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो लवली पीपल, स्कैरी पंपकिन की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आप लोग हमारी YouTube चैनल को देखते हो, हमें इतना पसंद करते हो, द बेस्ट YouTube चैनल भी कहते हो। यू डिजर्व मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जैसी हमारा उत्साह बढ़ाने वाली बातें कमेंट सेक्शन में लिखते हो। 95% लोग हमें देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में तारीफ भी बहुत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि इस इंडियन YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करके स्कैरी पंपकिन का हौसला बढ़ा दीजिए। आप सभी का स्कैरी दोस्त स्कैरी पंपकिन। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर गिव अवे करने वाले हैं। इसमें हम हर हफ्ते एक लकी यूट्यूब सब्सक्राइबर और फेसबुक पर टॉप फैन को गिफ्ट देने वाले हैं। तो देर किस बात की, जाइए दोस्तों, हमें फेसबुक पर भी फॉलो करिए। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी एक लाश का पोस्टमार्टम करते करते दीपक ने कहा, सच हमेशा ही हमारी कल्पना से परे होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वह सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं कि वह दिखाई भी दे। पर ये बातें तब समझ में आती है जब मौत हमारा घमंड तोड़ देती है। उसी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ खड़े आदमी ने कहा, जैसे कि हवा की। टेबल पर रखी लाश के सर पर हथौड़े से मारते हुए दीपक ने लाश की खोपड़ी खोल दी और बोला, बिल्कुल सही, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मौजूदगी नहीं है। और दूसरा है इंद्रधनुष, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर ना कभी छू सकते हैं ना पा सकते हैं। कहते हुए दीपक ने टेबल पर रखी लाश का पूरा शरीर सर्जिकल ब्लेड से खोल दिया। तभी पीछे खड़े डॉक्टर सिंधे ने उसे कहा, अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि मैं उसी चीज पर यकीन करता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ या अपने कानों से सुन सकता हूँ। डॉक्टर शिंदे की तरफ देखते हुए दीपक चौंक कर बोला, अरे सर, आप कब आ गए? डॉक्टर शिंदे हैरानी से दीपक की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए, अगर इसने मुझे देखा ही नहीं था तो ये बातें किसके साथ कर रहा था? हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। दीपक ने हल्के से मुस्कुराते हुए लाश का चेहरा कपड़े से कस के बांध दिया। लाश उसी की थी जिससे अभी दीपक बात कर रहा था, और टेबल की दूसरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर शिंदे हैरानी भरी नजरों से दीपक की ओर देखते हुए मन में बोले, सावन साहब को बताना ही होगा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम होने के कारण दिन भर आसमान काले घने बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। पिछले 3-4 दिन से बारिश इस तरह से कहर बरसा रही थी जैसे कि आसमान फट गया हो। शाम के 4 बज चुके थे। आज पूरे दिन एक भी पोस्टमार्टम का केस न आने की वजह से दीपक अपनी कैबिन में कुर्सी पर बैठा कल की गई लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच कर रहा था कि तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। जी बोलिए साहब। दीपक, पोस्टमार्टम का केस आया है, एक लड़की जो पागल हो गई थी, पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे फोन करना। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने पूछा, मौत की वजह? शॉक ट्रीटमेंट? अरे नहीं, पर तुम्हें पोस्टमार्टम में पता चली जाएगा। और हाँ दीपक, शहर की सारी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए लगाई गई है, इसलिए उस पागलखाने के नजदीक एक पुराना सरकारी अस्पताल है, कुछ देर में मेंटल हॉस्पिटल के लोग लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देंगे। ठीक है? ठीक है सर, पर उस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा है ना? अरे दीपक, शहर का सबसे पुराना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट वही है, इसलिए फिक्र मत करो, काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। रेनकोट पहनकर दीपक अपनी बाइक से पोस्टमार्टम करने के लिए निकल पड़ा। अभी भी काफी तेज बारिश हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, कोई आम इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर खड़े पुलिसकर्मी और सायरन बजाते तेजी से आने जाने वाली एम्बुलेंस बस यही नजर आ रहा था। कुछ ही देर में सावंत साहब के बताए पते पर दीपक पहुंचा। अस्पताल की इमारत काफी पुरानी थी,
पर कुछ मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा था। ऑफिशियल काम खत्म कर अपनी फाइल को रेनकोट में छिपाकर बारिश के पानी से बचाता हुआ वह अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम कमरे की तरफ अकेले ही चलने लगा। बारिश का मौसम और कोरोना लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल के पीछे वाले उस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में इंसान ना के बराबर ही थे। कच्ची सड़क के आसपास कमर तक उगी हरी घास, कुछ कुछ झाड़ियों के बीच जर्जर हुआ वो रंग उड़ा कमरा बाहर से ही काफी डरावना लग रहा था। शाम के 4:30 बजने के बावजूद भी काले घने बादलों से घिरा आसमान रात के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। पोस्टमार्टम कमरे के बाहर रुकते हुए दीपक ने दाईं तरफ खड़े बरगद की पेड़ को कुछ सेकंड देखता रहा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अपना रेनकोट वहीं पर लटका दिया। दीवार से सटी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोलकर पोस्टमार्टम के कपड़े चढ़ाए उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा। कुछ ही कदमों पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश टेबल के ऊपर रखी थी। अलमारी के पास का बटन शुरू करते ही पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लटक रही ट्यूबलाइट ऑन हो गई। पुराने जर्जर हुए उस कमरे के भीतर नजर घुमाते हुए दीपक उस लाश के नजदीक गया और टेबल के ऊपर रखे रिपोर्ट उठाकर देखा। नाम सिमरन, उम्र 24 साल, पता। सारी जानकारी पढ़कर उसने लाश के चेहरे पर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाया। लाश एक युवा लड़की की थी। चेहरे पर अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। खुली आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान थी। नींद न आना या ऐसे ही किसी बात की वजह से उसने लाश के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। लड़की के शरीर पर मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों के कपड़े थे, शर्ट और पैंट। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की पागल कैसे हो सकती है? कुछ तो वजह होगी। गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जैसे वो लाश से ही उसके पागल होने की वजह पूछ रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक को पता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं है। वो जानना चाहता था कि उसकी पागल होने की वजह क्या थी। तभी उस लड़की के बालों से ढके कान के पास कुछ हलचल हुई। कान के पास वाले काले बाल थोड़े हिलते हुए नजर आने लगे। दिल थाम कर दीपक गौर से उस जगह को देखने लगा। सन्नाटा, बहुत ही डरावना जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। इतना सन्नाटा था कि दीपक को अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीपक को थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरे से अपना हाथ उस लड़की के कान के पास ले जाते हुए बालों को छुआई था कि तभी एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा उस लड़की के बालों से निकलकर एकदम से दीपक के चेहरे पर झपटा। मधुमक्खी की गुनगुनाती तेज आवाज के साथ काफी देर से फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा एक झटके में खत्म हो गया। उस किले को हटाने के लिए दीपक जद्दोजहद करने लगा, पर वो कुछ देर तक धूं धूं आवाज करते हुए दीपक को परेशान करता है और कुछ ही सेकंड में वो कीड़ा उसकी आंखों से उजल हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस कमरे के भीतर कायम हो गया। दीपक हैरानी भरी नजरों से दोबारा पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश की ओर देखा। कुछ तो अजीब है, कहते हुए उस लाश के बाल धीरे से कान के ऊपर से हटाए कि उसे कहीं से वही धो धो इस तरह की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे तेज होती वह आवाज कानों में गूंजने लगी। इतनी तेज आवाज कि दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए चारों ओर देखा, पर कुछ भी नहीं था। और एकदम से आवाज आनी बंद हो गई। नजरें घुमाते हुए धीरे से उसने अपने कानों पर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए दोबारा टेबल पर रखी लाश के नजदीक गया। लग रहा था वो लड़की अभी भी जीवित है और अभी उठकर बात करने लगेगी। तभी उसकी नजर शव के नाक पर गई। उसके नाक से वही कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। दीपक ने पोस्टमार्टम के लिए रखा चिमटा उठाया, धीरे से कीड़े को पकड़ते बाहर निकाल कर देखा।
जैसे मधुमक्खी की तरह कोई जीव लग रहा था। और तभी एक और कीड़ा उसके नाक से बाहर रेंगता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। गहरे सन्नाटे में उस कीड़े की धूं धूं ऐसी हल्की आवाज उसकी कानों में लगातार गूंजने लगी। हैरान होकर दीपक ने अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह खोला और बड़ी तेजी से उसके मुंह से मधुमक्खी की तरह दिखने वाले हजारों कीड़ों का एक बड़ा सा जत्था बाहर निकलकर कमरे में फैलने लगा। धूं 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 इस तरह की आवाज करते हुए वे कीड़े दीपक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। उस घिनौनी डरावनी आवाज से दीपक का सिर मानो फट रहा था। दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर मंडराने वाली मक्खियों को हटाते हुए दीपक ने पोस्टमार्टम कमरे का दरवाजा खोला और सन्न रह गया, क्योंकि वहां पर एक भी कीड़ा या मधुमक्खी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। अब उस शव के पास जाने में भी उसे डर लग रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश की तरफ चलते हुए दीपक धीमी आवाज में बोला, कौन हो तुम और चाहती क्या हो? दीपक अब समझ चुका था कि यह किसी शैतानी आत्मा का काम है और वो इसी कमरे में कहीं पर मौजूद है। अपनी आंख बंद करके वह थोड़ी देर शांत खड़ा रहा और मन ही मन बोलने लगा, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं पर हो, पर ये नहीं जानता कि तुम चाहती क्या हो, और मैं ये जान कर ही रहूंगा। दीपक दिल थाम कर हर बारीक से बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बदन को छूकर जाने वाली हवा की झोंकी को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आवाज आ रही थी, मगर हल्की सी बारिश की आवाज, पेड़ों से पत्तों के ऊपर से टपकती बूंदों की आवाज, बाकी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी दीपक के कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ी। वो आवाज कमरे के भीतर फैले उस खौफनाक सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लग रही थी। जिस तरह से कोई पेड़ की सूखी लकड़ियां अपने हाथ से तोड़ रहा हो, वैसी आवाज, साथ ही दर्द से कराने वाली लड़की की आवाज। दीपक ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने नीचे पोस्टमार्टम टेबल पर देखा, वो सन्न रह गया, क्योंकि अब लड़की की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। ये क्या हो रहा है? गहरे सन्नाटे में डरा सहमा दीपक एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें कमरे में चारों ओर उस लाश को ढूंढ रही थी। लाइट बंद चालू होने के कारण कभी उजाला तो कभी 2 सेकंड अंधेरा उस कमरे में फैल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ जमीन पर उस लड़की का सिर का हिस्सा दिखाई दिया। हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दीपक आगे कदम बढ़ाने लगा, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और जमीन पर पड़े उस लड़की का पूरा शरीर दिखाई दिया। उसके हाथ पैर किसी ने पूरी तरह से मरोड़ दिए थे। शरीर का हिस्सा बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ पूरी तरीके से घूमी हुई थी। वो डरावना दृश्य देखकर दीपक सिर से पांव तक सिहर गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, शायद लड़की पागल है, बल्कि किसी शैतान के कब्जे में थी। मरने के बाद लड़की की आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, पर उस शैतान ने अभी भी इसके शरीर को जकड़ रखा है। दीपक ने हिम्मत करके उस लड़की के शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और दोबारे से उस टेबल पर रख दिया। पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लगातार बंद शुरू होने वाली ट्यूब पर जोर से दे हाथ मारा और ट्यूब चालू हो गई। सर्जिकल ब्लेड उठाते हुए दीपक ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुमने इस लड़की के शरीर पर अपना कब्जा कर रखा है, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाए यह तुम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर एक नई लड़की का शरीर ढूंढना होगा। पर मैं इस शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्जिकल ब्लेड को 2-3 बार गोल घुमाया। कुछ ही देर में दीपक ने उस लड़की की लाश को ब्लेड से पूरा शरीर खोल दिया, पर उसकी हाथों के भीतर कुछ रेंगने वाले कीड़े अभी भी जिंदा थे। यह देखकर एक पल के लिए दीपक भी सहम गया। लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये बात सवन साहब को बताऊंगा तो वे यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले हो चुकी थी, जब इस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लिया था। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम पूरा कर दिया, पूरा शरीर सफेद कपड़े में लपेट दिया और चेहरा ढकने से पहले दोबारा उस लाश की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, इस शरीर के साथ साथ तुम्हारी शैतानी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा,
चलो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और उस लाश का चेहरा ढकते हुए अच्छे से बांध दिया। काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। पहले सावंत साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। कॉल करने के लिए उसने मोबाइल फोन पॉकेट से बाहर निकाला ही था कि तभी दोबारा लाइट बंद शुरू होने लगी। अंधेरे के साथ उजाला लुका छुपी खेल रहा था। दीपक लाइट के बटन की ओर चलने लगा। सावंत साहब को फोन लगाया और मोबाइल कान से लगाकर बटन को बंद शुरू करके देखने लगा। लाइट अभी भी बंद शुरू हो रही थी। 3-4 रिंग के बाद सावंत साहब ने फोन उठाया। अरे दीपक, कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर, मोबाइल साइलेंट मोड पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बातें करते हो। दीपक ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। हाँ शायद। सावंत साहब आगे कुछ बोलते कि तभी फोन कट हो गया। दीपक ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की पर शायद कवरेज नहीं था। तभी कमरे की भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे से दोबारा वही डरावनी आवाज आने लगी। आवाज सूखी लकड़ियों की तरह, इंसानी जिस्म की हड्डियां तोड़ने की आवाज। तभी दीपक के पीछे अंधेरे में उस पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश में कुछ हलचल होने लगी। हैरानी भरी नजरों से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। उस लाश के ऊपर लपेटे सफेद कपड़े को चीरते हुए दोनों हाथ बाहर निकल रहे थे और वो सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए सामने हो रही वो हलचल को गौर से देखने लगा। तभी लाइट शुरू हो गई और दीपक ने देखा कि सफेद कपड़े से बाहर निकले सड़े हाथों के ऊपर का मांस हड्डियों के सहारे लटक रहा था। मरोड़ते हुए वे दोनों हाथ अब लाश के चेहरे पर बंधे कपड़े पर घूमने लगे। वो नजारा दीपक के लिए दिल दहला देने वाला था। उसकी नजरें लाश पर ही टिकी थी पर वो बिना आवाज किए एक एक कदम पीछे चलने लगा और फिर टेबल पर रखी लाश के सड़े गले हाथ चेहरे के ऊपर बंधे कपड़े को फाड़ने लगे। तभी टेबल के ऊपर की ट्यूब फट गई और पूरे कमरे में धुंधला सा अंधेरा छा गया। उस कमरे में फैले गहरे सन्नाटे में कपड़े को फाड़ने की आवाज गूंज उठी और फिर सब कुछ जैसे शांत हो गया। अपने कांपते हाथों से उसने मोबाइल का टॉर्च शुरू करते हुए रोशनी पोस्टमार्टम टेबल की तरफ डाली और डर के मारे उसकी धड़कन ही रुक गई। पोस्टमार्टम टेबल पर वो लाश नहीं थी, टेबल खाली था। आवाज आ रही थी तो किसी की घर घर करती सांसों की। अब वहां रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था क्योंकि वो शैतानी आत्मा थी, मासूम लोगों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा करने वाली शैतानी आत्मा। बाहर निकलने के लिए दीपक झट से दरवाजे की तरफ मुड़ा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े बरगद की पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर दरवाजे के सामने ही गिर गई। उसका बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। अब वो चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसने मोबाइल से सावंत साहब को फोन किया पर अंधेरे में किसी ने उसका फोन झट से खींचते हुए दीवार पर दे मारा। दीपक अब पूरी तरह से बेबस था। रात होने लगी। दीपक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा पर अस्पताल के काफी पीछे बने उस पोस्टमार्टम कमरे के आसपास कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी घसीटने की आवाज आने लगी पर अंधेरा होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि वो शैतानी आत्मा यहीं कहीं मौजूद है। डरी सहमी आवाज में उसने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? दीपक चारों ओर फैले अंधेरे में अपनी डरी सहमी नजरें घुमाते हुए देखने लगा। तभी एक खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी और साथ डरावनी आवाज से उसका दिल दहल गया। हजारों मधुमक्खियों का छाता उसके ऊपर झपट पड़ा और उस अंधेरे में धूं धूं इस तरह की आवाज गूंजती रही। अगले दिन आंखें खोली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर था। ईसीजी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था, ना कोई डरावनी आवाज, ना किसी की आहट। पास ही एक नर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल देखकर चली गई। दीपक,
अब कैसा लग रहा है? सावंत साहब उसके बेड के पास बैठे थे। दीपक का हाथ पकड़कर वे रोते हुए बोले, दीपक मुझे डॉक्टर सिंधे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बातें करते हो। उसे पूरा यकीन था। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं यकीन करना ही नहीं चाहता। कुछ साल पहले मेरी बेटी के शरीर पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। हमने कई साइकेट्रिस्ट को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा। रात भर जागती रही, अगर नींद आती तो जोर जोर से चीखती हुई उठती। घर में रेंगने वाले कॉकरोच, जमीन पर पेड़ों पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े मक्खियों को वो बेझिझक खा जाती। फिर उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ा। वहां एक दूसरी पागल महिला उस पर हमला कर उसके हाथ का मांस मूंछ लिया था, पर एक महीने बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत एक महीने पहले ही हो गई थी। जिस कमरे में तुम थे ना, वहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ था। वहां काम करने वाले लोग कहते हैं कि सिमरन के पोस्टमार्टम के बाद उस जगह अजीब सी घटनाएं होने लगी। तब से वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोलकर वहां भेजा था, क्योंकि तुम आत्माओं से बात करते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सालों पहले मर चुकी मेरी बेटी की आत्मा क्या मुक्त हो गई है? क्या वो शैतानी आत्मा अब भी वहीं पर है? दीपक ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वो गुस्से में था। हताश होकर सावंत साहब चले गए और दीपक अकेला कमरे में बेड पर लेटे हुए छत पर घूमने वाले पंखे की तरफ देखने लगा। बिल्कुल शांत शांत लग रहा था। अपनी आंखें बंद करके वो शांत पड़ा रहा, पर तभी दोबारा मधुमक्खी की हल्की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। डर के मारे उसने झट से आंखें खोली। सच में एक मधुमक्खी उसके चेहरे के सामने मंडराते हुए हाथ पर बैठ गई। कुछ सेकंड दीपक की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। अगले ही पल झट से उसे पकड़कर उसे गौर से देखा और धीरे से अपने मुंह में डाल दिया। सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।